हाय फ्रेंड्स, मैं सीए दीपक तिबड़ेवाल। सीए इंटरमीडिएट का अकाउंट्स का जो 3 मई को पेपर हुआ है उसका पूरा एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूँ। सीए इंटरमीडिएट अकाउंट्स फर्स्ट पेपर जो 3 मई को रहा उसका पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस पे था। सेकेंड क्वेश्चन जो था वो आपका 10 नंबर का सेकेंड का ए पार्ट इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन था। इन्वेस्टमेंट का जो क्वेश्चन आया था उसमें बिल्कुल सिंपल इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशन के अनुसार था। पहले भी 2-3 बार वो IPCC में क्वेश्चन आ चुका है जिसमें शेयर्स में 2-3 स्क्रिप खरीदी गई है, 2-3 स्क्रिप बेची गई है, बीच में डिविडेंड लिया गया है और बाद में क्लोजिंग स्टॉक को वेटेड एवरेज मेथड से अपना वैल्यूएशन करना है। आई थिंक सिंपल क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, इजीली स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बी अगेन 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये इंश्योरेंस क्लेम के लॉस ऑफ स्टॉक का है जिसमें आपको लॉस ऑफ स्टॉक का क्लेम निकालना है। इसमें एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। अपने नोट्स का अगर अपन देखते हैं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 9th ये क्वेश्चन एज यूजुअल सेम दिया हुआ है, इजीली अटेम्प्ट किया जा सकता है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर सेकंड ए और बी में 20 मार्क्स में से 17-18 मार्क्स इजीली स्टूडेंट कवर अप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd का ए पार्ट अगेन 10 मार्क्स का डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है जिसमें 8-10 खर्चे उसने दिए हैं, बेसिस दिए हैं और डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाना है। एक एडजस्टमेंट उसने दिया अपने को प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का। बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन है, स्टार्टिंग अपने नोट्स के अगर 3-4 क्वेश्चन करता है बच्चा तो इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। अगेन इजी क्वेश्चन है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है स्टूडेंट को। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट ब्रांच का है, सेकंड मेथड का ब्रांच का दिया स्टॉक डेटर्स मेथड का जिसमें आपको ब्रांच स्टॉक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट, P&L अकाउंट बनाना है। इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है गुड्स इन ट्रांजिट का, जो अपन ने गुड्स उसको सेंड करा है सामने वाले को अभी थोड़ा माल मिला थोड़ा नहीं मिला है तो गुड्स इन ट्रांजिट का एडजस्टमेंट करना है। अगेन अपने नोट्स का 13-14 क्वेश्चन करते हैं तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली अटेम्प्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3rd अगेन 10 मार्क्स के 20 नंबर के हैं, इजीली स्टूडेंट 17-18 मार्क्स इसमें भी कवर अप कर सकता है। पार्टनरशिप क्वेश्चन नंबर 4th का ए पार्ट 15 मार्क्स का थोड़ा सा ट्रिकिंग क्वेश्चन है। पार्टनरशिप इसमें जो दिया गया है वो सेल टू ए कंपनी का दिया गया है। पार्टनरशिप फर्म बंद होकर अपने आप को एक सेल टू ए कंपनी AB लिमिटेड को बेचती है, उसमें PC निकालना पड़ेगा। PC निकालने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, न्यू कंपनी अकाउंट, उसका जो PC मोड आया है उसको अपने को पार्टनर्स में एलोकेट करना है। थोड़ा सा ट्रिकिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दिया जाए तो इजीली इसको भी कर सकते हैं। इसका बी पार्ट 5 मार्क्स का LLP की थ्योरी है, सिंपल एक्सपेक्टेड थ्योरी थी, इजीली स्टूडेंट इसको अगर करता है तो इसमें एक आध पेज आराम से लिख के आ सकता है। इसमें भी उसको 5 में से 3-4 मार्क्स इजीली मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट प्रायर पोस्ट, दैट इज सो सिंपल क्वेश्चन, कहीं पे भी इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसा ट्रिकिंग पॉइंट नहीं था जो दिक्कत है। टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो निकालना है, टोटल सेल्स दी हुई है, सेल्स से अपने को GP का परसेंटेज दिया हुआ है, उससे अपन इजीली टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो फाइंड आउट करके प्रायर पोस्ट में प्रॉफिट को एलोकेट कर सकते हैं। आई थिंक सो सिंपल क्वेश्चन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है 5 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट जो है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, चूंकि नया टॉपिक सी इंटरमीडिएट में जुड़ा है, इसमें उन्होंने बिल्कुल सिंपल सी आउट ऑफ प्रॉफिट मेथड बोली हुई है। कुछ उसने नए शेयर इशू करे हुए हैं और उसने अपने को रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस का दिया है। मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मॉड्यूल की एक्सपेक्टेशन के अनुसार क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, हार्डली 10 मिनट्स में स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी मेरे हिसाब से कहीं को दिक्कत की बात नहीं है, इजीली स्टूडेंट द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है जिसमें ए पार्ट जो दिया हुआ थ्योरेटिकल दिया है, बी पार्ट जो 5 मार्क्स का बोनस इशू का है उसमें पहले अपने को बोनस इशू करने के पहले शेयर्स को फुली पेड अप बनाना पड़ेगा। फुली पेड अप बनाने के बाद में आप अपने बोनस शेयर इशू कर सकते हैं आउट ऑफ फ्री रिजर्व। तो ये भी मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, अपने नोट्स में पूरी तरह से स्टार्टिंग के क्वेश्चन में कवर किया गया है, कोई प्रॉब्लम की बात इस क्वेश्चन में भी नहीं लगती मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का है जिसमें अपने को अपने ही ओन डिबेंचर मार्केट से परचेस करके वो डिबेंचर को कैंसिल आउट करना है। ओवरऑल पूरे क्वेश्चन जो दिए हुए थे वो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी एंड रेस्ट 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करना था। 20 मार्क्स ईच क्वेश्चन के उन्होंने रखे थे, 100 मार्क्स का पेपर करना है, 120 मार्क्स का पेपर आया था। मेरे हिसाब से जो पेपर IPCC इंटरमीडिएट का जो आया है ये पूरे अपने नोट्स में से आया हुआ है। अगर आप स्टूडेंट ने अगर रेगुलर क्लास अटेंड करी है तो इजीली दे कैन अचीव 75-80 मार्क्स। थोड़ा सा भी स्टूडियो से स्टूडेंट है तो 90+ नंबर भी आ सकता है। मेरे कई सेंटरों पर बात हुई है, इंदौर लाइव में भी और बाहर के वीडियो सेंटरों पर भी, उन लोगों से सब बात हुई, उन लोगों ने यही बोला है कि काफ़ी अच्छा पेपर गया है एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू अचीव मोर देन 80% मार्क्स। आगे के पेपरों के लिए मेरे सभी स्टूडेंटों को ऑल द बेस्ट है। ये पेपर जिनका बहुत अच्छा गया उनको कॉन्ग्रेचुलेट और जिनका अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ गया है
तो निराश नहीं होना, अगले पेपर उनके बाकी है, उन पेपरों में वो लोग सारे मार्क्स कवर अप कर सकते हैं। सो अगेन ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट पेपर। थैंक यू, सी ए दीपक टिब्रेवाल।